ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। इस देश में एक से खूबसूरत इमारतें हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत मैं हूँ। आहा, दुनिया के कोने कोने से लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन मैं तुझे देखने आई हूँ सुरेंदर। आज तक मेरी शादी नहीं हुई अर्चना जी, आपकी ही तरह मुझे भी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं औरत हूँ कि मर्द। लेकिन परसों जब शेखर जी ने मुझे घूर के देखा तो मुझे पता चला कि मैं औरत ही हूँ। और मैंने शादी करने का फैसला किया। एक से एक कमाल कमाल की टावर और बिल्डिंग्स आज मुझसे स्वयंवर करने के लिए आ रही हैं। हाय फारूक, हाउ आर यू डूइंग? तुम्हारे लिए मैं कुछ प्यारा सा तोहफा लाया हूँ। इतनी अंधेरी रात में मैंने कहा मोमबत्ती तो जरूरी होती ना। लेकिन क्रिसमस भी आ रही है तो पूरा मजा होना चाहिए ना। ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े गुंबद वाला, इतनी चौड़ी चौड़ी छाती वाला, ये लाल लाल इंसान कौन आया है? अरे हाँ, मुझे नहीं पहचाना? जानू मैं तुम्हारा आशिक, लाल किला। यमुना के किनारे से बैठ के तुम्हें देखा करता था। हाय अल्लाह, तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म मुझे आनी चाहिए, तुझे आनी चाहिए। कमाल है यार, ये संग मरमरी बदन लेकर चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे चांदनी में नहाती है। तुमने मुझे नहाते हुए देखा? अरे मैंने तो एक दो बार ही देखा है। मुझे फोन आता था कुतुब मीनार का दिल्ली से और कहता था हेलो, अबे आज देखा। कसम से ये कुतुब मीनार इतना कमीना है ना, किसी दिन मैं अपने चाचा बुलंद दरवाजे से कह के जूते चलवाऊंगी इसके ऊपर में। नहीं छोड़ दो जानू, उन्हें बूढ़े हो चुके हैं, उनकी बैक प्रॉब्लम है, बेचारे झुके खड़े रहते हैं। तुम सब कुछ छोड़ो, एक काम करो, मुझसे शादी कर लो। तुम सफेद, मैं लाल, ओए होए, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रेड एंड व्हाइट बच्चे होंगे हमारे। जाओ, तुमसे शादी का वादा रहा। क्या बात है, शादी हो जाएगी। अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना? बस तुमने ये बहुत घटिया बात की है मुझसे। मैं ताजमहल हूँ, ताज होटल नहीं। लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, स्टे कोई नहीं करता है। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, कोई रिश्ता विश्ता आया तुम्हारा? मेरे पास दुनिया के कोने कोने से रिश्ते आए थे। एफिल टावर का भी रिश्ता आया था। एफिल टावर का? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने कहा टावर कितना भी बड़ा हो लेकिन मुझे फिरंगी लोग पसंद नहीं है। अरे क्यों, फिरंगी क्यों नहीं पसंद? फिरंगियों में क्या इंटरेस्ट लेना, वो तो खुद ही छोटी छोटी चड्डी पहन के ताजमहल के आसपास इंटरेस्ट लेने के लिए आते हैं। ताजू जानू, और कोई रिश्ता आया था? रिश्ते तो एक से एक आए। हाँ। इस देश की सबसे पावरफुल बिल्डिंग पार्लियामेंट ने भी मुझसे शादी का हाथ मांगा था। मुझसे कहने लगा जानू मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, जानू मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। मैंने कहा हट, तू पार्लियामेंट है, सिर्फ वादे ही करेगा और 5 साल के बाद निकल जाएगा। अच्छा जानू, और कोई रिश्ता आया था? हाँ, पीसा की मीनार का। पीसा की मीनार? हाँ, मैंने कहा जो खुद टेढ़ा है उसका कैरेक्टर कितना टेढ़ा होगा। सही कहा, बहुत अच्छा, तुमने सबके रिश्ते मना कर दिए, अब हमारी शादी हो सकती है। और तुम्हें तो पता है लाल किले का मैदान कितना बड़ा है, हनीमून वहीं पे होगा। नहीं लालू, वहां पे हनीमून नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर हनीमून नहीं, 26 जनवरी की परेड होती है। और वैसे भी मैंने सुना है, मैंने देखा है कि 1947 के बाद से हर साल वहां पे झंडा कोई और ही फहरा। अच्छा ठीक है जानू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। ये कपिल के जैसा क्या पिल्ला है? अरे गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। जा हट, कट्टी 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 कट्टी। जानू लड़ाई नहीं करते। अच्छा ठीक है, लड़ाई नहीं करूंगी, वैसे भी लड़ाई झगड़े में क्या फायदा, किसका फायदा हुआ? अरे फायदा ही फायदा है, डॉली बिंद्रा को देखो। अरे वो मुटल्ली जो है कोई जानता नहीं था, आई मीन सेलिब्रिटी बनी घूम रही है, हैं 2-4 गालियां दे दे के। अभी ना बिंद्रा बेचारा गोल्ड मेडल जीत के आया, कोई उसको जानता नहीं है, पर वो मुटल्ली को देख रहा है, अरे तेरी हो, तेरी हो, तेरी हो, और भर गई सेलिब्रिटी। कमाल की बात है यार, कमाल कर रही हो तुम। तुम झगड़े की बात कर रहे हो, मुझे अच्छे नहीं लगते हो। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्यों?
तुम झगड़ा की बात कर रहे हो? अच्छा, तो वहाँ ऊपर तो कितनी बार चढ़ाई भी हो चुकी है, लाल किले बड़ी ताजमहल बन रही है। हाँ। अबे बुढ़िया, तेरे से शादी करेगा कौन? शक्ल देखिए तूने अपनी। मैं जाऊंगा किसी अमीर नई बिल्डिंग से शादी करूंगा। मुकेश अंबानी है ना, अरे इतनी लंबी बिल्डिंग बनाई है, वहीं जाऊंगा। नौ माले की तो पार्किंग ही पार्किंग है, वहीं जाके पार्क हो रहा हूं मैं। ये लड़ाई झगड़े करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो मोहब्बत और प्यार का पैगाम फैलाने वाली इमारत हूँ। शेखर जी, मुझे ऐसे ऐसे लोगों के फोन आए स्वयंवर के लिए, शादी रचाने के लिए, लेकिन मैंने किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया। मुझे तो वो आदर्श सोसाइटी का भी फोन आया था, वो घपले और घोटालों से भरी हुई, कहने लगी जानू ताजमहल में तुम पे मरता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने बोला हट, जो इमारत विधवाओं की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। अरे यार, एक तो ये जो शाहजहान है ना यार, इसने ये ताजमहल बनवा के ना यार हम गरीब बिल्डिंगों की वाट लगा दी है। नीता तू बड़ी खुश हो रही है, काले कपड़े पहन के हैं, लिपस्टिक लगाऊंगी, पहन के देख के चल के आ कितना बड़ा मजा आता है। अबे तू कौन है गरीब इंसान? अरे शक्ल देखो, पहचाना नहीं मुझे भाई? ये देखो पेंट की पपड़ियां निकल रही हैं, सलिए बाहर निकले हुए हैं। अबे माहडा की बिल्डिंग हूँ यार। माहडा की बिल्डिंग, दो कौड़ी के इंसान। ये तू सुन, कुंबड़ी में आ जा, एंगेजमेंट कर ले। एंगेजमेंट कर ले ए बुड्ढे, एंगेजमेंट की नहीं, तेरी रीडेवलपमेंट की उम्र है समझे। सुन, ये बाहर के दिखावे में मत जा, अंदर कारपेट एरिया बहुत है मेरा। चल हट निकल ले, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। बुड्ढे कहीं के मुमताज रहती थी इसमें। हाँ, खुश है तू इस बात पे? ये तो मेरी बिल्डिंग इतनी कमाल की है, इसमें मुमताज आज भी रहती है। आज भी रहती है? हाँ। अबे यहाँ भी रहती थी, राजेश खन्ना रोज आता था। अच्छा। ए, फालतू की बातें मत कर, पका मत समझे। पुरानी बिल्डिंग कहीं की, एड़ी हटी नहीं कहीं की। चल रहे, ताजमहल बनती है अपने आप को बहुत समझे। शक्ल देखिए अपनी, दुनिया भर की इमारतें टावर वगैरह देख के बैठी है। हट कल मुंह ही कल की हट। ए, मैं ताजमहल हूँ तेरे को क्या कानपुर की घंटा घर लग रही हूँ क्या? मेरी खूबसूरती देख, मेरी मीनारे देख, और यकीन नहीं होता तो मेरे पिछवाड़े आके देख, बहती हुई यमुना देख। अबे तेरे से शादी करके मर रहे हैं मुझे। मरने की उम्र तेरी है समझे। मुझे देखो, यहाँ सरकार 5 साल तक बगैर सपोर्ट के नहीं चलती है। मुझे देखो, 500 साल से ऐसी ही खड़ी हूँ मैं। 500 साल से ऐसी ही खड़ी हूँ, ऐसे ही खड़ी रहेगी 500 साल। तेरे हाथ पीला नहीं होगे। चलिए ताजमहल आइए। कहाँ ये सरकारी काम काजों से बनी हुई, और कहाँ मैं शाहजहां के नाजों से बनी हुई बिल्डिंग। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, दुनिया की जितनी भी बिल्डिंग और टावर थे, किसी ने मुझसे शादी नहीं की। अब मुझे यकीन हो रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ कमी है मेरी। मुझे आज बात याद आ रही है किसी की, किसी ने सही कहा था कि कौन कहता है ताज इसके की निशानी है, कौन कहता है ताज इसके की निशानी है, दरअसल वो खून है पर देखने में पानी है। अगर बादशाह को बेगम से मोहब्बत होती, गैर की अकल ना मजदूर की मेहनत होती, अपने हाथों से बनाता तो हकीकत होती। और जर नहीं है तो ना कोई राजा है ना कोई रानी है, कौन कहता है ताज इसके की निशानी है।